हरियाणा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं इनके जो एग्जाम हुए थे उनके पेपर चेक कर लिए हैं। जल्द ही आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। लेकिन अगर आप 12th के बाद एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हो तो आप ये दो काम जरूर जरूर कर लियो। अगर आप 12th के बाद एक सरकारी नौकरी पाना चाहो तो आपने ये दो काम जरूर करवाने पड़ेंगे। सबसे पहला काम है आपने अपना रजिस्ट्रेशन इम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में करा लेना है, और जो आप ऑनलाइन किसी भी सीएससी सेंटर या फिर किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर ऑनलाइन करवा सको हो। इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ेगी वो होगा आपका परिवार पहचान पत्र, और उसके उसमें जो मोबाइल नंबर आपने ऐड करवाया है वो मोबाइल नंबर साथ लेकर जाना है। आपकी 10th 12th की मार्कशीट, आप अगर SC BC ST कैटेगरी से संबंध रखते हो तो आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। आपका हरियाणा डोमिसाइल, आपका आधार कार्ड, और आपको फोन साथ लेकर जाना है जिसमें आपकी एक ईमेल आईडी भी चलती हो, और एक पासपोर्ट साइज फोटो अपने साथ अवश्य लेके जाएं। और ये सभी ऑनलाइन करवाने के बाद आपको अपने नजदीकी जो आपका एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में एक एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, वहां पर जाके आपको ये सबमिट करा देना है। इससे होगा क्या, इससे आपका 1% चांस नौकरी का बढ़ जाओगा, क्योंकि हर साल हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ वैकेंसी एम्प्लॉयमेंट के द्वारा भरी जाती हैं। और इसके साथ साथ आपको इसका दूसरा एक बेनिफिट ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में अब गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट, ये तीनों टाइप की जो भी इसके अंदर अवेलेबल है, किसी भी समय आपके पास किसी प्राइवेट कंपनी से या फिर आपके पास जो डिस्ट्रिक्ट की कॉन्ट्रैक्ट बेस की 1 साल 2 साल की जो जॉब होती है सरकारी जगह पे, उसकी कॉल आ सकती है, उसका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आ सकता है, या फिर हो सकता है अगर आप एक लकी पर्सन है तो आपका सीधा किसी गवर्नमेंट संस्था में आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। और दूसरा जो काम है वो ये है कि आपने अपना हरियाणा डोमिसाइल और एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपने अगर आप SC OBC कैटेगरी से संबंध रखते हो तो आपको एक BC का यानी कि बैकवर्ड का और एक OBC का, जो बैकवर्ड का आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपका सिर्फ पूरे हरियाणा में काम करेगा। अगर आप हरियाणा से बाहर के कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको OBC का सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, ताकि आपको कुछ छूट मिल सके। और बात करा या नहीं कि ST ST या फिर OBC कैटेगरी ने इसका में छूट मिला है नौकरियां में, आप अगर जनरल कैटेगरी से संबंध रखो हो तो आपने अपना EWS जरूर तो जरूर बनवा लेना है। EWS में पहला बेनिफिट जो है कि आपकी जो फार्म आप अप्लाई करोगे उसकी कुछ फार्मों की फीस 500 से लेकर 1,000 रुपए तक या 1,500 रुपए तक, 2,000 रुपए तक की फीस होती है। अगर आपके पास EWS है तो आपको उस फीस में भी कुछ छूट मिलेगी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा बेनिफिट तो मैं ये मानूं कि अगर आपके पास EWS है तो आपकी जो एग्जाम की कट ऑफ जाएगी उस कट ऑफ में आपको कुछ नंबरों का अंतर देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो आपकी लिस्ट 85 के आसपास अगर गई है, वहीं अगर आप EWS से अप्लाई करोगे तो आपकी लिस्ट 80 82 के आसपास जाएगी। तो यो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो जल्दी करो अपने ये दो काम, अगर आपने प्लस टू पास कर ली है तो सबसे पहला अपना एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज करवा लो, और दूसरा EWS या फिर अपना जो बैकवर्ड का OBC का सर्टिफिकेट आपने नहीं बनवाया है तो वो सर्टिफिकेट बनवा लो, और हरियाणा डोमिसाइल सभी कैटेगरी ने बनवाना अनिवार्य है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।